सत श्री अकाल डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। एक नगर कौंसल की कार्रवाई है, वह दसांगे तुहानू कीड़ी कीती है। एक तस्वीर दिखा दिना, एक बच्चा तो एक औरत नू तुसी देख रहे हो, किस हालत दे विच एक बच्चा तो माँ है उहदी। सब तो दुर्लभ औरत कही जा सकती है, जो सिर पर छत ना हो ते गोदी बच्चा हो, इस तो बुरे हालात नहीं हो सकते। ये पुलिस मुलाजम जिहड़े इन्हां इत्थे लैके पहुंचे ने, पर शमशेर जी ने मेरे ना प्रभा आसरा तो फाउंडर मैंबर ने, तुसी देख सकते हो तस्वीरें तो ना सांझियां कर रहे हैं। उत्तरों लावारसना न्यासरिया का घर प्रभा आसरा है, तो दूजे पासे सर वधाइयां वाला चैक किन्ने दा आया पहला? ये वैसे बड़ी लंबे शुरू तो होंदा आ रहा हैगा। अजे मैं एक तो पहला सी जिहड़ा वो फाइल भी लग गई पई सी, जिहदे विच एक कहिंदे भी तुसी नजायज़ बिल्डिंग बनाई है। मैं क्या भी तो अथोराइज आर्किटेक्ट जिहड़े हैगे उन्होंने तो नक्शे बना के तुहानू पुट कीता हैगा, कहिंदे तुसी इहदी डिवेलपमेंट चार्जिज कंस्ट्रक्शन फीस नहीं दीती, जिहदी कि अमाउंट 82 लाख तो भी उपर बनती है। तो मैं क्या भी ये तो जिहड़े नागरिक बेचारे बाहर, कोई 3-व्हीलर वाला, कोई 4-व्हीलर वाला, कोई अलग अलग बेचारे सारे तरह के जिहड़े नागरिक हैगे, वो पैसे गवर्नमेंट को टैक्स देने तो बाद पा के जाने भी, ये जिहड़े नागरिक हैगे तो गवर्नमेंट वालों भेजे जाते, जिहड़े कि संविधानिक ड्यूटी गवर्नमेंट ने निभानी सी। समाजिक सुरक्षा किने देनी है? समाजिक सुरक्षा नागरिक ने देनी है, नागरिक नू देनी है। तो ये कहें भी तुम सू कमर्शियल अदारे चाहते हैं तुम, तो फीस जमा कराओ। फीस ना जमा कराने का 1,16,000 रुपया हूँ फाइन द्वारा फिर आ गया भी, तुम फीस जमा क्यों नहीं करो, तो फाइन है। कमर्शियल का मतलब तो बिजनेस होंगे, कि बिजनेस प्रभा आसरा करता है तो कि करते हो? ये जिहड़ा बिजनेस है ये पुछना असी उन्होंने ही चाहते हैं, अपने सत्कारयोग साढ़े देश के जिहड़े कह लो सेवा निभा रहे हैं इस वेले सरकार नूं, ये पुछना चाहते हैं भी इहनूं आपां कमर्शियल कहिंदे आ। कमर्शियल दे विच आपां हुण इस तरह के नागरिक जिहड़े कि तुहाडा डिपार्टमेंट समाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट ये कहिंदा कि साडे कोल इंतजाम नहीं है, इस करके बच्चे नूं ते औरत नूं ते बजुर्ग नूं ते लड़की नूं सारयां नूं जिहड़े साडे कोल आ रहे हैगे कि इहनां नूं रख लो, ते रखण वास्ते बिल्डिंग तां बनाउणी पैणी है। तो जे बिल्डिंग बनाउंदे आ कहिंदे उहदे असीं नक्शे प्रोपर जिहड़े बनाउंदे आ, तो उहदी पास करन दी जिहड़ी तो फीसां मंगदे आ वो इन्नियां वड्डियां। तो दूजा जे मैं हुण बिल मेरे हत्थ विच सी उहदे विच एडा वड्डा थ्रैट कि तुहाडा पर्सन नूं कनैक्शन कट देना, तो वह कमर्शियल मैं कहो जिहड़ा हैगा उहदे विच बिजली दा कनैक्शन दा वी आ गया। हाँ हुण अजे मैं पढ़े रहा सी बिजली दा किन्ना बिल आया हुण? ये मतलब 56 लाख के करीब होना बिजली का बिल। हाँ ये बस लाई जा रहे हैं अगे तो अगे असं उपर मतलब 40 लाख के करीब जो सोलर पैनल लाया हुआ भी ता कि जोड़ा है कुदरती सोमे यूज़ करके है ना बिजली जी है भी साड़ा ये पैसा जोड़ा है संगत का भी इन्हों की डिवेलपमेंट पर लगे तो नागरिकों को ठीक होने का मौका मिल सके। तो हर एक चीज़ किसी भी चीज़ में सुनने तैयार नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन देने तैयार नहीं है, चक के बार बार नोटिस हर अलग अलग डिपार्टमेंटा के नोटिस, तो एक पासे नोट्स पढ़ी जाते हैं तो एक पासे ऑर्डर पढ़ी जाते हैं कि पर दिल दुखता है शमशेर जी कितना कितने जो एक चीज़ बंदा सोचता है भलाई करने की गल कर लिए तो दुख होंगे इस चीज़ का। तरस भी आता है भी इन्हों की हालत कहोजी बन चुकी है मानसिक भी अपने वालों कहें भी ठीक करते हैं असी, जब पहला एक बार पूछा कहते साढ़े खजाने खाली हैं, पहलियां सरकारां ने ये गल कहती सी, ते मौके दियां सरकारां नूं मैं बेनती करदा हां भी तुसीं जिथे होर इन्ना कुछ कोशिश करदे भी असीं चंगा करदे हैं, तो फिर आ जिहड़ा साडे सामने ये हालात हैगे ते इन्हां नागरिकां नूं तुसीं कमर्शियल इन्हां बिल्डिंगां नूं कमर्शियल इंडस्ट्रियल कमर्शियल ये तुसीं किस आधार ते कहिंदे हैगे ते इन्ने नोट्स बार बार कढ़दे हैं ते इन्ना बंदे नूं जिवें तुसीं कहिंदे आ ना भी लाइक की दसी हुण साडे कोल शब्द भी नहीं हैगे भी है साडियां सरकारां ते साडा पंजाब हैगा ते पर ये नागरिक नूं इन्ना बुरी तरह नज़रअंदाज करना ते जिहड़ी संगत जिहड़ी पब्लिक जिहड़े समाजदर्दी लोग इन्हां नूं संभालण की कोशिश करते हैं ते उन्हां नूं मतलब तुसीं किस एंगल तो देखते हैं भी लाइक उन्हां दा पैसा सरकारी खजाने जमा कराइए? 82 लाख रुपए के करीब बिल्डिंग का फाइन कह रहे हो? फाइन नहीं, फाइन तो उपर है। हाँ, अच्छा फाइन ये उपर है तो होर जिहड़ियां पिछे मतलब बंदे साढ़े को बार बार आ रहे हैं करीब 1.5 करोड़ रुपया हो गया। हाँ पता नहीं किन्ना बनाना तो जिसे भी जमानत करा के हूँ लैके आए हैं मतलब क्रिमिनल कैटागरी हूँ क्रिमिनल बंद को जो भेजते हैं तो बड़ी अजीब गल हैगी है, तो सानू भी नहीं पता लगता भी सानू सोशल वर्कर कहें क्रिमिनल कहें। मैं फिर थोड़े थ्रू बेनती करनी चाहता सत्कारयोग अपने सीएम्स
पंजाब नूं बेनती करदा भी कदी तुसीं अपने कीमती समय चो समां कढ के आके विजिट करो। समाजिक सुरक्षा नूं तरस रहे हैं नागरिक, सड़कां ते रुड़ रहे हैं, कोठियां विच पे तड़फ रहे हैं, कुरला रहे हैं कि सानूं कोई होस्पिटल शिफ्ट कर दे, होस्पिटल रिसीव कर लवे, ना लावे साडे ते शर्तां, बिना शर्त एंबूलेंस सानूं कढ लवे, इह शर्त ना लावे भी इहदे नाल कोई होना चाहिए है। इहदे लई असीं हथ बन के बेनती करदे हां, इहनां वॉयसलैस दी वॉयस तुहाडे तक पहुँचाउण दी कोशिश करदे हां भी ये जिहड़े नागरिक हैगे हैं इन्हां दा कोई वख नहीं किस्सा। बजट दे विच तां इन्हां दा भी हिस्सा ना, घर दा परिवार दा मुखिया जिहड़ा हुंदा ना अपने परिवार दे मैंबरां लई बजट तां रखदा ही सारिआं लई, कोई इहदे नहीं कहिंदा भी इह कमज़ोर है लाचार है, उहदे लई वध केयर करदा हैगा। इस करके जिहड़ा साडे स्टेट दा मुखिया, साडे देश दा मुखिया, उहनां नूं इह चीज़ बारे मैं विचारन लई दुबारा फिर बेनती करदा कि इस नूं बड़ा गंभीर मुद्दा है, गंभीरता दे नाल विचारिआ जावे। समाजिक सुरक्षा दे मिनिस्टर हैं, हैल्थ दे मिनिस्टर हैं, ते आ मतलब जो हालात साडी मैंटल हैल्थ लई साडा बजट कित्थे गिआ, समाजिक सुरक्षा लई साडा एक भी बजुर्ग होस्पिटल मतलब मोहाली दे विच सिटी दे विच रुल जावे इहनूं रखण दे लई, एक भी बच्चा रुल जावे उहनूं रखण दे लई। हुण ऑर्डर बण गए कि इस बच्चे नूं रख्या जावे, बच्चे नूं तां ठीक है असीं रखांगे, ते लड़की जिहड़ी हैगी है, औरत जिहड़ी हैगी है, उहदे लई कोई कोई नहीं, उह कित्थे जाएगी। छोटा जिहा बच्चा 6 तों 7 महीने दा दस रहे हैगे हैं, ते 6 तों 7 महीने दा बच्चा, फिर उहदा प्रोटोकॉल फॉलो करना हुंदा एक, जो गवर्नमेंट ने अपने एक्ट बनाए हैगे हैं कि इहदे लई आह टैसट जिहड़े हैगे बहुत जरूरी हैगे हैं। उस तों इलावा होर बहुत कुछ हैगा, चलो असीं कहिंदे उहनां नूं छड्डो तुसीं, कम से कम मेन जिहड़ी इंपोर्टेंट चीज़ हैगी, तुसीं बैड भी ना देखो साडे कोल, बैड तां चलो ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਈਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।